जी शुक्रिया आपका घनश्याम तिवारी जी। निशाना साधा गया है बीजेपी पर, यूपी सरकार पर, और हमारे साथ पीयूष हमारे सहयोगी और विपिन दोनों बने हुए हैं। पीयूष, इस पूरे फैसले को सुनाते हुए क्या कुछ और टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, क्योंकि सीजीआई खुद बैठे हुए थे और इससे पहले भी सीजीआई की तरफ से इस केस में यूपी मदरसा कानून को लेकर टिप्पणी आ चुकी है। बिल्कुल, देखिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि 12वीं के ऊपर जो शिक्षा होती है कामिल और फाजिल की, वो मदरसों में नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जो 12वीं तक की शिक्षा है वो बोर्ड के माध्यम से चलती है, जबकि इस ऊपर की जो शिक्षा है यानी कि स्नातक और परास्नातक या इससे भी ऊपर, तो वो शिक्षा यूजीसी एक्ट के तहत चलती है, तो ऐसी स्थिति में उसे मंजूरी नहीं दी जा सकती। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है। और जो 12वीं तक की शिक्षा है मदरसों में, वो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रेगुलेट की जाएगी, यानी कि जैसा विपिन ने बताया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात कही कि आप फंडिंग कर सकते हैं, आप उनकी व्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उनके जो अधिकार हैं उसमें सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वो रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि 12वीं तक की शिक्षा दी जा सकती है कामिल और फाजिल की, जो मदरसों में दी जा सकती है, वहां तक की उसके ऊपर की जो शिक्षा है यानी कि स्नातक और परास्नातक की जो शिक्षा है वो यूजीसी एक्ट के तहत, जो सेंट्रल एक्ट है उसके तहत गवर्न होती है, तो ऐसी स्थिति में वो शिक्षा मदरसों में नहीं दी जा सकती है। और ऐसी स्थिति में जो टोटल 17,000 मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें से 13,000 मदरसे वो हैं जो 12वीं तक की शिक्षा देते हैं, जबकि इससे ऊपर जो शिक्षा देते हैं वो करीब 4,000 मदरसे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन 4,000 मदरसों के लिए झटका जरूर हो सकता है। लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पर देखें और वृहद स्तर पर हाईकोर्ट के फैसले से उलट देखें, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मदरसों को बड़ी राहत प्रदान की है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार अब इस मामले में रेगुलेशन को लेकर के सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन उसकी एक सीमा सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय कर दी गई है। जी बिल्कुल, ग्रेजुएशन और पीजी लेवल पर ये डिग्रियां दी जाती हैं कामिल और फाजिल की, जिसमें मदरसा बोर्ड डिग्रियां देता है अरबी, फारसी और दीनियात की पढ़ाई के लिए। तो ये क्लियर किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक करार देकर हाईकोर्ट ने गलती की है, एक तो ये माना है, और दूसरा सरकार को केवल शिक्षा मानकों को विनियमित करने की इजाजत दी गई है। अब आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद यूपी सरकार का क्या रुख होता है, किस तरह के बदलाव किए जाते हैं शिक्षा विनियमन में बदलाव को लेकर, यह देखने वाली बात होगी। वकील क्या कह रहे हैं, अधिवक्ता क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर, यह भी सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का जो निर्णय था जिसमें यह कहा गया था कि मदरसा बोर्ड कि और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको तो पूरी तरह से खारिज किया, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पर उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि बहुत टीचर्स का, बहुत स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में आ गया था। हाईकोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया था कि इनको स्कूलों में लेके जाइए, मदरसे के बजाय इनको सरकारी स्कूलों में वो कीजिए। यूपी में सरकारी स्कूलों के हालात हम सबको पता है, साथ ही साथ इतने सरकारी स्कूल भी नहीं हैं और मदरसा अपने आप में, हम उर्दू से हट के अगर उसका ट्रांसलेशन देखें तो उसका मतलब ही स्कूल ही होता है। तो वो जो भविष्य अधर में लटक गया था, अब उस पर एक फाइनल निर्णय आ गया है और उनके लिए भी और मदरसा बोर्ड की तरफ से भी वी वेलकम द डिसीजन। विपिन चौबे हमारे सहयोगी रायबरेली से हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, इस फैसले का कितना असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? जाहिर है आप समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान सुन रहे होंगे, योगी सरकार पर इस फैसले के बाद हमलावर नजर आ रही है समाजवादी पार्टी भी। जी बिल्कुल, क्योंकि व्यापक असर होगा सभी इस फैसले का, क्योंकि इस फैसले से 1, 2, 5, 10 लोग प्रभावित नहीं होंगे बल्कि
तकरीबन 16 से 17 लाख छात्र और 10,000 से ज्यादा मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का मामला था। इस फैसले के खिलाफ तमाम ये शिक्षक और मदरसा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा। हालांकि इसको थोड़ा और क्लैरिफाई किया है कि बेसिक एजुकेशन सरकार के अंतर्गत आता है, 12वीं तक की शिक्षा, और सरकार इसको अनुदान देने से वंचित नहीं कर सकती है ना तो, और अगर सरकारी अनुदान पर दीनी तालीम दी जाती है तो ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है और असंवैधानिक नहीं होगा, बल्कि सरकार को रेगुलेट करने का अधिकार होगा, लेकिन कुछ लिमिटेशंस में उनको रेगुलेट करना होगा। तो बहुत सारी क्लैरिटी है जो अभी और होना बाकी है। जैसे फुल ऑर्डर की कॉपी आएगी उसके बाद ये समझ में आएगा कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन फौरी तौर पर ये जरूर है कि एक बहुत बड़ी राहत न सिर्फ मदरसा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बल्कि उन तमाम शिक्षकों के लिए जो एक लंबे अरसे से मदरसे में पढ़ा रहे हैं। और इसे एक झटके के तौर पर नहीं, एक क्लैरिफाई के तौर पर देखना चाहिए कि सिचुएशन को क्लैरिटी के साथ क्लियर किया गया है कि आपका दायरा क्या है, आपका दायरा क्या है, कहां तक आप शिक्षा देख सकते हैं, इससे ऊपर आपका अधिकार नहीं होगा, और राज्य सरकार के कर्तव्य क्या है, इन तमाम चीजों को डिफरेंशिएट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी बड़ी बात है। और सीजीआई की तरफ से पहले ये भी कहा गया कि ये आपका राष्ट्रहित है कि आप इसका विनियमित करते हैं कानून को, मदरसा कानून को या मदरसों को, लेकिन 700 सालों का इतिहास बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ऐतिहासिक है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और फैसले में कहा है। आपको बता दें कि मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट के सिलसिले में कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया है, इससे तमाम मदरसे से मुतालिक लोगों में खुशी और मसर्रत की लहर दौड़ी है। और जाहिर सी बात है ये यूपी मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने खुद बनाया था, तो कोई भी एक्ट जो हुकूमत ने बनाया हो वो किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। और फिर इस यहाँ यूपी में हज़ारों बच्चे और हज़ारों टीचर्स और स्टाफ इन मदरसों से मुतालिक, और हम लोग बारहा ये बात कह चुके हैं कि हम लोगों के यहाँ मदरसों में इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की भी तालीम दी जा रही है। बहरहाल ये एक बहुत खुशी और मसर्रत का मकाम है।